अब आप अपनी शक्तियों से पता लगाइए कि मुझे संपर्क कौन कर रहा है। एक बार बस हमें उस जगह का पता चल जाए, फिर हमारे दुश्मन की गर्दन हमारे हाथ में होगी। मुझे बस थोड़ा सा समय दो बालवीर, मैं अभी अपनी ध्वनि तरंगों का जाल बुनती हूँ, तब तक तुमसे कोई जवाब मत देना। और ये तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। चलो जल्दी चल के इसे पकड़ते हैं। पूरा गुना मुसीबत। ओ हेलो, तुमने मुझे मुसीबत कैसे बोला? आपको नहीं, उसे। अच्छा हुआ उड़ा लिया मैंने पक्षी फिर से, वरना वो रे उड़ा देता मुझे कूले से। कूला कूला कहाँ गया वो? अरे अब मैं छोड़ता रे मुझे, अरे अरे बदतमीज पंछी, कूला कहाँ गया? इतना बड़ा सांप? अरे पहले फुटबॉल की तरह इधर से उधर उड़ा रहे थे मुझे, और अब ये सांप सांप बोल के मेरी सांसें क्यों रोक रहे हो? मुझे क्यों रोक रहे? आप आगे जाइए, आगे जाइए। हाँ, आप बड़े एक तरफ ये दोनों और दूसरी तरफ ये सांप, यानी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, और मैं वहाँ जाऊँगा तो हो गया मिली तुम्हारी। अरे क्या करूँ अब, मैं ये कूड़ा कैसे ढूंढूं? हमारा विमान उस कोने के अंदर है, और आप तो उसकी बड़ी बहन है ना, जाइए बचाइए उसे। अरे बट अरे जाइए ना। ओके ओके। हमारे दुश्मन कहाँ है ये जानने के लिए ध्वनि तरंगों का जाल तैयार है बालवीर, बस अभी तुम अपनी बातों में उसे उलझा कर रखना। हेलो, बोलो। तुम्हें विवान के लैब की कोई टेंशन नहीं है क्या? अब तुम तो मामूली से पतंग उड़ाने वाले पतंगबाज निकले, तुमसे कौन डरेगा? इसलिए विवान की चिंता तुम छोड़ दो और आप आसमान में कबूतर उड़ाओ। अरे मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? दबड़ 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 दबड़। अच्छा हुआ मैं नहीं ले पाया गोला, तो ये लोग भी नहीं ले पाएंगे। ये तो वही बात हो गई, आसमान से गोला गिरा और खजूर में अटका। Let me remind you, ना ही तुम्हारे पास अब गोला है, ना ही गोले की, और विवान को बचाने का टाइम तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। तो एक अच्छे लूजर की तरह मेरे सामने आओ और सरेंडर कर दो। लूजर कौन है और विनर कौन है तो जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन पहले तुम मुझे बता क्या आखिर ये सब तुम कर क्यों रहे हो? मेरा खून लेने के लिए क्या क्या नहीं किया तुमने? हम पर पार्टी में गोला गिराने की कोशिश की, विवान का अपहरण किया, और तो और मुझे ब्लैकमेल भी किया, एंड टू एंड विवान को गोले के अंदर भी डाल दिया। आखिर ये सब सिर्फ मेरा खून लेने के लिए क्यों? सब बताऊंगा, लेकिन उसके पहले सरेंडर विद योर ब्लड, गॉट इट? डील? और अगर मैं मंजूरी ना दूं तो? दुश्मन सिर्फ 3 कदम की दूरी पे है, कभी भी हमारे सामने हो सकता है। तो अब आगे जाकर देखते हैं कि आखिर ये है कौन। चलो। उत्तराय और त्रय नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ ध्वनि परी? मेरी ध्वनि तरंगे कह रही है कि जिससे तुम्हारी बात हो रही है वो यहाँ कहीं से दूर जा रहा है। हाँ?
दूर जा रहा है? हाँ। मतलब ये वो नहीं है जिससे हम बात कर रहे हैं? नहीं, शायद उस तरफ कहीं। क्या हुआ? करेक्टली सुनाई नहीं पड़ी मेरी वार्निंग? चलिए। धोनी परे, जिससे मुझसे बात की वो यहीं पर था। हमें भटकाया गया है, वो हमारे हाथों में था और बचकर निकल गया। मेरे पास एक आइडिया, मैं पत्थर मार के सांप को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और तुम वहां से जाके वो गोला उठा लेना, ठीक है? हम बहुत बढ़िया। मैं क्यों? अरे देखो, आइडिया मेरा है ना, तो तुम ही तो जाओगे। अरे आइडिया आपका है ना, तो अभी पूरा कर लीजिए। मैं क्यों? देखो मुझे सांप से बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, जैसे मैं तो रोज इस सांप से सांप सीढ़ी खेलता हूँ ना। अरे एक काम कीजिए, ये पत्थर मुझे दीजिए और आप इधर आइए और आप जाकर गोला लेकर आइए, मैं पत्थर मार दूँ। नहीं, पत्थर मारना भी तो डेंजरस काम है ना। अब जो सांप को पत्थर मारेगा, सांप उसे भी तो अटैक कर सकता है ना। क्या? अरे अनन्या दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। जो ये सुनिए। हाँ विवान, क्या आइडिया है? अब सांप के लिए बीन ले आइए। वाह, लेकिन बीन देने से सांप हमें गोला वापस कर देगा? अरे बीन देनी नहीं है, बचानी है। ग्रेट आइडिया विवान, यूर ए जीनियस। लेकिन विवान, मैं इस जंगल में बीन कहाँ से लेके आऊँ? अरे दीदी, आपके पास मोबाइल तो है ना, तो उससे बीन का साउंड डाउनलोड कर लीजिए ना। हाँ। अरे ये तो टच से मस हो ही नहीं रहा है, लगता है इसे नाचना आता ही नहीं है। That was so cool, Mr. V. And बिल्कुल right time पर आ गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा तेज दिमाग इंसान के लिए खतरनाक हो जाता है। बहुत हो गया ये छुपन छुपाई का खेल। इसके की आगे की बात करने के लिए मैं बिरबा को भेजता हूँ। No, Mr. V. Just give me one more chance. फिर देखें मैं उस बालवी को कैसे डांस करवाता हूँ। अब सब्र नहीं रहे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लोहा गर्म है, अब सीधा और सिर्फ हथौड़ा। तुम सिर्फ इस बात पे ध्यान दो कि बालवीर का खून कैसे हासिल कर सकते हो, बस। ओके मिस्टर बी। ये लो, सुनो, तुम यहाँ आओ, ठीक है? इधर। मुझे लगता है म्यूजिक की वजह से सांप शांत हो गया, तो तुम एक काम करो, तुम यहीं खड़े होकर म्यूजिक बजाओ, मैं जंप करके जाती हूँ और जाके गोला लेके आती हूँ, ठीक है? विवान, तुम हमें वापस मिल गए। यस। चलो यहाँ से। क्राय और फ्रेंड नहीं छोड़ेगा रे मुझे। धोनी परी,
अब हम क्या करें? अब हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे और वो कॉलर भी हाथ नहीं लगा, और विवान का गोला कहाँ पर है ये भी मुझे नहीं पता। अरे गोला कहाँ गया? डब्बू, गोला, गोला मिल गया, गोला मिल गया। गोला नहीं गायब हुआ। ओह गॉड, गोला तो गिर गया। क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है? नहीं नहीं, चली गई यहाँ से। गोले कहाँ गिर गया? अरे मुझे बताओ था कि गिर रहा है तो मैं गिरने देती क्या? गोले को ढूंढो जल्दी। हाँ चलो ढूंढते। जाओ 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 जाओ। चलो। ऐसे कैसे तुम्हारे हाथ में से निकल गया? ए, मेरे हाथ से नहीं आना, मैं क्या सीख गया? उसके पहले तुम्हारे पास था? मेरे पास नहीं, सांप के पास था। उसके पहले तो तुम्हारे पास था? अरे उसके पहले पंछी के पास था। अब कहाँ है गोला? गोला गोला उस पते ले बे। कैसे बताऊ रे, कैसे मैंने आंधी तूफान बिजली सांप से बचा कर संभाल कर रखा था मैंने गोले को, और आखिर में यहाँ आकर इस पतीले में गिर गया। तो मेरा मुंह क्या देख रहा हूँ? Go get it. हाँ जाता जाता जाता। उसने विमान के गोले को उस उबलते हुए तेल में डाल दिया। मैं क्यों हो रहा है मेरे साथ? मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? इतना गर्म क्यों फील हो रहा है? लगता है विमान को ढूंढने के लिए मुझे स्कैन करना पड़ेगा। लेकिन इस गोली का पिज्जा क्यों बना रहे हो? हम दुष्कर्मी को भगाने का एक ही रास्ता है। मैजिकल कूलिंग इफेक्ट वाला एसी चलाना पड़ेगा मुझे। फाइनली जैसी की कूलिंग तो 2 सेकंड भी नहीं रही। अरे देवू भैया प्लीज कुछ कीजिए। विवान की आवाज आ रही है, इसका मतलब विवान यही कहीं आसपास है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। ये डब्बू किससे बात कर रहा था? अरे कहाँ गया ये गोला? ढूंढ बड़ ढूंढ, जल्दी ढूंढना होगा गोले को, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ओह गॉड विवान, कहाँ हो तुम? प्लीज मिल जाओ, कैसे ढूंढूंगी तुम्हें? अब बड़े के साथ विवान निकल जाएगा। अरे उसे कुछ हो गया ना, तुम देवू से प्लाज्मा कैसे मांगोगे? अरे तुरुप का इक्का भी चला जाएगा और साथ में तुम बन जाओगे बिना काम के जोकर।
अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो विवान की आवाज यही कहीं से आ रही, लेकिन वो है कहाँ? अरे देवू भैया प्लीज बचाइए मुझे, देवू भैया प्लीज कुछ कीजिए, बहुत गर्मी है यहाँ, देवू भैया प्लीज आइए और बचाइए वरना मैं आइसक्रीम की तरह पिघल जाऊंगा। देवू भैया, विवान को गर्मी लग रही है और विवान पिघलने वाली गर्मी, मतलब विवान ठीक है? विवान कहीं तेल के पतीले में तो नहीं? विवान, विवान, देवू भैया, मैं तुम्हें निकलता हूँ। ए क्या कर रहा भाई, गरम कढ़ाई है, हाथ जल जाएगा तेरा। देवू भैया, अरे 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 मेरी बात सुन, ये तो कट मार के चला गया। और ये क्या किया तुमने? यहाँ पे कितनी और भी तो चीजें थी ना विवान को बाहर निकालने के लिए। फाइनली ठंडक मिल गई। थैंक यू देवू भैया। आर यू स्टूपिड और व्हाट? ऐसे कौन करता है? व्हाट व्हाट तो लग गई होगी ना, पूरा हाथ लाल हो गया है। रुको मैं आइस क्यूब लेके आती हूँ। अरे जरूरत नहीं है। अरे कितना ज्यादा लाल हो गया है। अरे जरूरत नहीं है। अरे जल रहा होगा तुम्हें। अरे जरूरत नहीं है। चुप चुप, एक वर्ड नहीं। लो गया गोला वापस उनके हाथ में। अब अगर हारने पे शर्म आ रही है तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा था कि चले यहाँ से वापस। ये तो सिर्फ इंटरवल था, क्लाइमेक्स में ऐसा ट्विस्ट लेकर आऊंगा कि इनका गेम ओवर हो जाएगा। मुझे तो लगता था कि तुम्हारे पास मेरे लिए सिर्फ कड़वी बात है, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो ये जानकर अच्छा लगा। वो तो तुम फ्रेंड हो इसीलिए फ्रेंड्स के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। अगर कभी मुझे चोट लगी तो तुम मेरी केयर नहीं करोगे क्या? अब करूंगा ना, क्यों नहीं। दीपू भैया गोला मिल गया। वाह वाह। हाँ कहाँ से मिला? अब कढ़ाई में था। कढ़ाई में? अब एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि गोला कढ़ाई में? मैंने देखा था तुम आंखें बंद करके किसी से तो बात कर रहे थे। अब मैं वो भगवान से प्रे कर रहा था। हाँ। आंख बंद करके प्रे कर रहा था कि विवान जल्दी से मिल जाए और कुछ नहीं। और ये गोला कढ़ाई में ये तो मुझे ध्वनि परी ने बताया, उन्होंने ही मुझे मैजिक से कांटेक्ट किया और बताया कि विवान कढ़ाई में। और तुमने ना आओ देखा ना ताओ हाथ कढ़ाई में डाल दिया। ध्वनि परी ने सिर्फ तुम्हें क्यों बताया कि गोला कढ़ाई में है? ये तो वो खुद भी कर सकती थी। अब वो अरे अनन्या मैं करती भी तो क्या, अब देवू ही सबसे नजदीक था ना कढ़ाई के, और हमारे पास समय भी तो कम था। अब समय से याद है, अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है विवान को इस गोले में से बाहर निकालने के लिए, हमें जल्दी कुछ करना होगा।
एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ हाँ। हेलो। बहुत स्मार्टली तुमने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की बाल भी, पर अब तुम्हारी स्मार्टनेस का कोई यूज नहीं, क्योंकि मैं वो की डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। इससे तुम जीतोगे नहीं बल्कि हारोगे। डोंट वरी अबाउट मी, बिकॉज मैं लूजर होकर भी विनर ही रहूंगा। बट यू विल लूज विवान, दैट टू परमानेंटली, बिकॉज जैसे ही मैं इस चाबी को डिस्ट्रॉय करूंगा, 10 मिनट के अंदर जो गोला तुम्हारे हाथ में है वो परमानेंटली लॉक हो जाएगा। नहीं रुको, मैं तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए तैयार, बताओ मुझे क्या करना है। पहले ही इंटेलिजेंस दिखाते थे, तुम दोनों का टाइम सेव हो जाता। पहले ही मान लेते कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, तो मुझे ये फालतू डायलॉग जैसे कि मैं बालवीर हूँ, मुझे हारना नहीं आता, जैसे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अभी समय वेस्ट मत करो मेरा, मेरे पास केवल 10 मिनट है विवान को इस गोले में से बचाने के लिए। तो बताओ मुझे वो प्लाज्मा देने के लिए कहाँ आना है। बताऊंगा, बट रिमेम्बर, अगर इस बार कोई ट्रिक यूज करने की कोशिश की तो तुम्हारा प्यारा छोटा बालवीर तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज आई विल डिस्ट्रॉय द की। मंजूर है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।